बड़ी खबर देहरादून से आपको बता देते हैं। 1200 करोड़ के स्कैम में हवाला एजेंट दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। साल 2021 में हुआ था घोटाला, एसटीएफ ने एक और हवाला एजेंट को गिरफ्तार किया। ग्रो चीन और नेपाल में भेजता था रुपए, अपने साथियों के साथ मिलकर बनाई थी फर्जी वेबसाइट। हांगकांग और चीन के साथियों के साथ मिलकर ये वेबसाइट बनाई थी। आरोपी के पास से मोबाइल, डेबिट कार्ड और लैपटॉप बरामद किया गया है। एसटीएफ अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एक फिल्म प्रोड्यूसर को नोटिस जारी हुआ है। 3 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि अब तक एसटीएफ 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 1200 करोड़ स्कैम में एजेंट दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। साल 2021 में ये पूरा घोटाला हुआ था, तब इसकी जानकारी सामने आई थी। एसटीएफ ने एक और हवाला एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रो चीन और नेपाल में रुपए भेजता था, पैसे भेजता था, अपने साथियों के साथ में मिलकर एक फर्जी वेबसाइट बनाई थी। हांगकांग और चीन के साथी थे उसमें, जिनके साथ मिलकर ये वेबसाइट बनाई गई थी। आरोपी के पास से मोबाइल, डेबिट कार्ड और एक लैपटॉप बरामद किया गया है। एसटीएफ अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और उसके साथ ही साथ एक फिल्म प्रोड्यूसर को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। 3 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर चुकी है। तो 2021 का ये पूरा घोटाला है जब हुआ था, तो एसटीएफ ने एक और हवाला एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एक फिल्म प्रोड्यूसर भी इसमें शामिल है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। चीन और नेपाल के कुछ साथी थे जिनके साथ मिलकर एक फर्जी वेबसाइट बनाई थी, हांगकांग और चीन के साथियों के साथ मिलकर। हालांकि चीन और नेपाल में रुपए भेजे जाते थे, रुपए सप्लाई किए जाते थे, मोबाइल, लैपटॉप, डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं। 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिल्म प्रोड्यूसर एक इसमें शामिल है जिसको नोटिस जारी कर दिया गया है और उसके अलावा 3 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर एसटीएफ अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। फिल्म प्रोड्यूसर भी इसमें शामिल है। 3 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। कुछ साथी थे हांगकांग और चीन के, उन सब के साथ मिलकर वेबसाइट बनाई।